छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई है। राज्य का नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है। आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई भाजपा के नवनिर्वाचित 54 विधायकों की बैठक में विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया, संगठन सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी उपस्थित थे। डॉ. रमन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नाम का विधायक दल के नेता के रूप में, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, अरुण साहू जी ने उसका समर्थन किया है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। हमारे वरिष्ठ साथी कुलपुरी के विधायक मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने भी सभी पर्यवेक्षकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। श्री साय ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के जो प्रभारी थे और चुनाव के भी प्रभारी थे, आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनका सबका मैं आभारी हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए विष्णुदेव साय को चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन विकास कार्यों को गारंटी दी है उन्हें भी पूरा किया जाएगा। राय से और नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। नवनिर्वाचित विधायक रेणुका सिंह और ओपी चौधरी ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास होगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या, आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला, अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनके आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, गलदगा चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग
पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है, उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 सीट में से 54 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया है। वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई है, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब रही।